हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने वाले हैं, उस देश के लोगों के बीच में घोड़े की कहानी, घोड़े की सवारी सबसे ज्यादा मशहूर है। एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया को सेब खाना सिखाया है। यहाँ की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनती होती हैं। यहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत को न सिर्फ होने का बल्कि देखने का भी दावा करते हैं। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है, यानी कि चारों तरफ जमीन ही जमीन, लेकिन फिर भी नेवी फोर्स है देश के पास। एशिया का एक ऐसा देश जिसका कुछ हिस्सा यूरोप का भी है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एशिया के एक खास देश कजाकिस्तान के बारे में। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कजाकिस्तान के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कजाकिस्तान देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। देश की कुल आबादी है 1,85,00,000 के करीब और देश में 58% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 42% लोग गांव में रहते हैं। अभी तो ये देश बहुत जवान है क्योंकि यहाँ की औसतन उम्र है सिर्फ 30 साल। कजाकिस्तान में इस्लाम धर्म को सबसे ज्यादा माना जाता है। ये 8वीं शताब्दी के दौरान अरबों द्वारा यहाँ पेश किया गया था। कजाकिस्तान मध्य एशिया का एक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। कहने का मतलब ये कि इस देश की सीमाएं चारों तरफ से दूसरे देशों से मिलती हैं। किसी भी तरफ समंदर का कोई हिस्सा नहीं है। एरिया के मामले में ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। देश की बॉर्डर रशिया, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में मिलता है। कजाकिस्तान देश की राजधानी है नूर सुल्तान, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये बहुत साफ सुथरी जगह है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आपको एक पेपर भी इस शहर पे रोड पर नहीं मिलेगा। क्या आपको पता है कि कजाकिस्तान का मतलब क्या होता है? कजाकिस्तान यानी कि साहसिक लोगों का देश। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ की महिलाएं बहुत ही मेहनती होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस देश के लोग और यहाँ के घोड़ों के बीच में एक अलग ही लगाव है। ऐसा माना जाता है कि कजाकिस्तान के लोगों ने ही सबसे पहले दुनिया में घुड़सवारी करानी शुरू की थी। साथ ही सबसे पहले इसी देश में घोड़े को पालतू बनाया गया था। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा अगर किसी भी जानवर को लेकर भावुक होते हैं तो वो घोड़े ही हैं। इतना ही नहीं, कजाकिस्तान के लोग इस जानवर को जितना प्यार करते हैं उतना ही इसका मांस भी खाते हैं। आपको बता दें कि 2012 में लंदन में ओलंपिक गेम्स हुए थे और उस दौरान भी कजाकिस्तान के एथलीट्स के लिए खास घोड़े का मांस उपलब्ध करवाया गया था। कजाकिस्तान में कोई भी घोड़े के मांस के बिना रह ही नहीं सकता, और साथ ही घोड़े का दूध भी यहाँ खूब पिया जाता है। एक ऐसी बात जिसके बारे में लोगों को हो सकता है कि ज्यादा ना पता हो, वो ये कि कजाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला स्पेस लॉन्च फैसिलिटी को तैयार किया गया था। सन 1950 में ही रेगिस्तान बेकोनूर कॉस्मोड्रोम में इस स्पेस सेंटर को बनाया गया था। उस समय कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। कजाकिस्तान का कुछ हिस्सा यूरोप और एशिया दोनों ही कॉन्टिनेंट में आता है। देश का कुछ हिस्सा रशिया के आसपास है, जो कि यूरोप की बॉर्डर में आता है। इसलिए यहाँ के लोग एशियन होकर भी सोच यूरोपियन है। कजाकिस्तान के लोगों में बिल्कुल भी किसी चीज का दिखावा नहीं है, और यहाँ के लोग बहुत ही मुंह फट बात करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब ये कि मुंह में राम बगल में छुरी, यानी किसी भी व्यक्ति के सामने उससे मीठी बातें बात नहीं करते। ये लोग मुंह से वही बोलते हैं जो इनके दिल में होता है। दोस्तों कजाकिस्तान देश बहुत अमीर है और यहाँ पर लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और उसका मुख्य कारण है इस देश में पाए जाने वाले ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज। इस देश में मिनरल रिसोर्सेज की भरमार है। कजाकिस्तान में बेशुमार पैसा है क्योंकि इसके लिए देश के लोग खूब मेहनत करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और देश की लिटरेसी रेट है 99%। कजाकिस्तान के लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा मुनाफा अगर किसी में है तो वो है एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। कजाकिस्तान में करीब 132 अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। जी हाँ, किसी एक देश में इतनी बड़ी संख्या में दूसरे देशों से आए लोगों का रहना यही बताता है कि इस देश में सोशल लाइफ कितनी मजबूत है। यहाँ के लोग मेंटली बहुत हाई हैं और इस देश के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। यहाँ आपको एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके काम में दखलअंदाजी करता हो। कजाकिस्तान देश की महिलाएं यहाँ के पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनती है। ये अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 70-80% महिलाएं बाहर काम करती है। महिलाएं सबसे ज्यादा बैंक्स और स्कूल कॉलेजेस में काम करती है और देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि इस देश की महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं, तो अब आप इसे भी सुन लीजिए। पुरातात्विक खुदाई के मुताबिक ये देश अमेज़न महिला योद्धाओं का देश था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के लोगों के बीच में यहाँ की महिलाओं की कितनी इज्जत होती है। कजाकिस्तान का इतिहास ही यहाँ की महिलाओं ने स्वर्ण अक्षरों में लिखा। दुनिया में महिला योद्धा की शुरुआत कजाकिस्तान देश से ही हुई थी।
कजाकिस्तान में सबसे पॉपुलर नाम है नूर सुल्तान नजरबायेव का, एक ऐसा नाम जो कि इस देश के प्रेसिडेंट थे 1991 में मिली आजादी के बाद से लेकर 2019 तक। हालांकि नूर सुल्तान नजरबायेव को ह्यूमन राइट्स ग्रुप वालों ने बहुत क्रिटिसाइज किया क्योंकि उनके कार्यकाल में लोगों के पास खुलकर बोलने की आजादी नहीं थी, बहुत सारी चीजों पर पाबंदी थी। लेकिन अब इस देश की हालत सुधर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के लोग अब पहले से कहीं ज्यादा सुखी नजर हैं। यहाँ पर लोगों को पहले के मुताबिक कहीं ज्यादा आजादी दी गई है। कजाकिस्तान की ब्रेड दुनिया का सबसे अच्छी ब्रेड मानी जाती है। आपको इस देश में कम से कम 70 अलग अलग किस्म के ब्रेड खाने को मिल जाएंगे। यहाँ सुबह 4 बजे से ही लोग ब्रेड बेचने लग जाते हैं। सुबह सुबह ही आपको हर रास्ते पर ब्रेड की खुशबू आने लगेगी। हम सब एप्पल मतलब सेब को बड़े ही चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया को सेब खाना इस देश ने ही सिखाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे पहले सेब की उत्पत्ति यहाँ हुई थी। कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी अल्माटी को सेब की जगह कहा जाता है। वैसे यहाँ के सेब बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में सेब का बागान लगाना और सेब को हर चीज में डाल कर खाना बहुत पसंद है। तो आपको जब भी मौका मिले इस देश की सफर करने का तो आप भी जमकर यहाँ पर सेब खाइएगा। साथ ही बेशक मार्ग कजाकिस्तान का नेशनल फूड है, ये दरअसल उबला हुआ मांस होता है जिसे पतली पास्ता शीट और प्याज मांस शोरबा नमक और काली मिर्च से बने सॉस के साथ परोसा जाता है। इसमें घोड़े और बकरे का मांस सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कजाकिस्तान के लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में कोई भी अपने घर में बाहर सीटी नहीं बजाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये काम किया तो वो गरीब हो जाएंगे। यहाँ के लोगों का साफ साफ मानना है कि घर के बाहर सीटी बजाना यानी कि आप बदकिस्मती को अपने घर बुला रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कजाकिस्तान के लोगों का मानना है कि इस दुनिया में भूत प्रेत न सिर्फ होते हैं बल्कि उन्हें देखा भी जा सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कजाकिस्तान जैसे इतने पढ़े लिखे देश के लोग इन सब बातों में विश्वास करते होंगे? यहाँ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत हमारे बीच ही रहते हैं और कई बार इन्हें रातों को भी देखा जाता है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने भूत को देखा है। कई तो ये भी कहते हैं कि उनकी भूतों से बात तक हुई है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। कजाकिस्तान में एक बहुत ही अजीबोगरीब परंपरा है। इस देश में एक खेल खेला जाता है जिसका नाम है कीस्कु, जिसका मतलब होता है चेसिंग गर्ल। बता दो कि यहाँ लड़के और लड़कियों के बीच में घोड़े की रेस होती है और अगर लड़का जीतता है तो लड़की को हक कर सकते हैं और अगर लड़की जीतती है तो दोस्तों वो लड़के की पिटाई कर सकती है। वैसे इस खेल में इन्हें मजा बहुत आता होगा। आप अगर जीत गए तो अपनी पसंद की लड़की को हक कर सकते हैं, लेकिन अगर हार गए तो आपकी जमकर पिटाई होगी। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा बंजर जमीन है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसे जमीन सिर्फ कजाकिस्तान में ही है जहाँ न तो जंगल है और न ही कोई खेती हो रही है। वैसे तो यहाँ के लोगों को पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर देश के लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसे खाली पड़े जमीनों पर। दोस्तों कजाकिस्तान की लड़कियाँ जितनी मेहनती होती है उतनी ही खूबसूरत भी होती है। ये बहुत ही आकर्षक होती है और यही वजह है कि रशिया फैशन वीक हो या दुनिया का कोई और फैशन वीक, आपको यहाँ के महिलाओं का जलवा हर जगह देखने को मिलेगा। ये काफी लंबी होती है और बहुत प्यारी भी, हर किसी का दिल इन्हें देखकर पिघल जाए। आप भी अपने दिल को संभाल लीजिएगा, नहीं तो प्यार हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कजाकिस्तान में 1300 अलग अलग किस्म के फूल मिल जाते हैं, तभी तो यहाँ सुबह का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। जब आपको रास्ते के साइड में एक से बढ़कर एक फूल नजर आएंगे, यहाँ आपको रोजाना सुबह सुबह रोड पर ब्रेड दिखेंगे या तो खूबसूरत फूल। कजाकिस्तान में आपको एक से बढ़कर एक पहाड़ों के ऊपर बने हुए रिजॉर्ट्स मिलेंगे। वहां से देश का नजारा इतना खूबसूरत होता है कि आप इस देश के दीवाने हो जाएंगे। आपको बता दें कि 2014 में प्रिंस हैरी इस देश का दौरा कर चुके हैं और यहाँ के खूबसूरती के कायल भी हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 5 दिनों के अंदर मिल जाएगा। कजाकिस्तान में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 9,828 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे, जिसकी वैल्यू है लगभग 0.18 भारतीय रुपीस के बराबर। तो दोस्तों ये था खूबसूरत देश कजाकिस्तान। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।